मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सब्र उस चीज पर करें जो हलाल है, जायज है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ठीक है, उस पर खुद को कंट्रोल करें अल्लाह ताला पे यकीन करते हुए कि इसी में कोई बेहतरी और भलाई होगी। वो मेरा बुरा नहीं चाह सकता, वो मेरा रब है, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। जरूर कोई ट्रेनिंग होगी मेरी, जरूर कोई बेहतरी होगी मेरी जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, बाद में पता चलेगी। लेकिन जो मजबूरी, बेकसी और बेबसी है, या खुदा ना खास्ता हराम चीजें हैं और खुदा ना खास्ता बुराई है, और आपके बस में, आप बुरा नहीं बनना चाहते और कहते हैं जी मैं सब्र करके देख रहा हूँ, वो सब्र नहीं, वो मुनाफिकत है, वो सब्र नहीं है।